हमारे YouTube चैनल रिएक्शन मेकर्स में ये है पारस और मैं हूँ ट्विंकल। आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ल्ड की टॉप 10 सिटी के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा कौन सी सिटी ज्यादा रहने लायक है, किसमें ज्यादा फैसिलिटीज है और वो सिटीज दुनिया के कौन से देशों में और कौन से कॉन्टिनेंट में आई है। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, नॉलेजेबल भी होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, तो ये वीडियो खास देखिएगा। और इसमें हमने टाइम स्टैम्प भी दे रखे हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे क्लिक करके सीधा उसका वीडियो का पार्ट देख सकते हैं। तो मोबाइल में टच करके एक बार देखिए तो यहां आपको नीचे पूरा नाम दिखाई देगा कि ये कौन सा पार्ट चल रहा है। तो ये हमने कहा नया इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो आप कॉमेंट में जरूर बताइए ये आपको कैसा लगा और अगले वीडियो में भी आप ये चाहते हैं कि नहीं, वो भी जरूर बता लीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों पूरी दुनिया में बहुत ही कमाल की सिटी मौजूद है और पूरी दुनिया में कई ऐसे कमाल के शहर हैं जो घूमने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हैं। मगर आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसी सिटीज के बारे में बताने वाला हूं जो टूरिस्टों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और हर साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट इन्हीं सिटीज में घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों नंबर 10 पर आता है इस्तांबुल टर्की। टर्की देश की सबसे बड़ी सिटी इस्तांबुल को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और ये दुनिया की बहुत ही फेमस सिटी है। यहाँ की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के करीब है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। इस कमाल की सिटी में जाकर आप इस्तांबुल सिटी की कमाल की हिस्ट्री को जान सकते हैं और घूमने के लिए ये पूरी दुनिया में 10वें नंबर की सिटी है। यहाँ पर हर साल 95 लाख से भी ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। दोस्तों नंबर 9 पर आता है टोक्यो जापान। जापान की कैपिटल सिटी और वहाँ की सबसे बड़ी सिटी टोक्यो को पूरी दुनिया की सबसे कमाल सिटी माना जाता है। दोस्तों टोक्यो के लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनती माना जाता है और वो हर दिन 14 से 16 घंटे काम करते हैं। यहाँ पर आपको A1 फूड और लग्जरी होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर पाओगे और साथ ही यहाँ पर टोक्यो टावर को भी आप देख सकते हो जो पूरी दुनिया में बड़ा ही फेमस है। दोस्तों टोक्यो में हर साल 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर आता है कुआलालंपुर मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल सिटी और वहाँ की सबसे बड़ी सिटी कुआलालंपुर को घूमने के लिए बहुत ही परफेक्ट सिटी माना जाता है। यहाँ पर आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के साथ ही नेचर की ब्यूटी का मजा भी ले सकते हैं और साथ ही परफेक्ट होटल्स में रुककर आप पूरी तरह से लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही सिटी को काफी ज्यादा सेफ सिटी भी माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल 1.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। दोस्तों कुआलालंपुर की आबादी 16 लाख के आसपास है। दोस्तों नंबर 7 पर जो सिटी आती है वो है सियोल, जो कि साउथ कोरिया की एक बेहद ही कमाल सिटी है। साउथ कोरिया देश की कैपिटल सिटी और वहाँ की सबसे बड़ी सिटी सियोल घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है, मगर पूरी दुनिया में परमाणु हमले का सबसे ज्यादा रिस्क भी इसी सिटी पर बना हुआ है क्योंकि इसका पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया कई बार परमाणु हमला करने की धमकी दे चुका है। दोस्तों साउथ कोरिया का सियोल शहर टेक्नोलॉजी में कहीं ज्यादा आगे है और यहाँ पर इंटरनेट स्पीड भी पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है। साथ ही घूमने के अलावा भी यहाँ पर आप काफी कुछ नया भी सीख सकते हैं। साउथ कोरिया की सियोल सिटी में हर साल 1.35 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। सियोल की आबादी 99 लाख के आसपास है। दोस्तों नंबर 6 पर जो सिटी आती है वो है न्यूयॉर्क यूएसए। यूएसए की सबसे बड़ी सिटी न्यूयॉर्क में घूमना तो हर किसी का सपना है और ये आज के दिन दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस सिटी भी है। दोस्तों यहाँ की आबादी 86 लाख के आसपास है। दोस्तों न्यूयॉर्क को अमीरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे करोड़पति और अरबपति लोग रहते हैं
और यहाँ पर हर चीज काफी ज्यादा लग्जरी होने के चलते ही हर चीज काफी ज्यादा महंगी भी होती है। अगर आप भी अपनी लाइफस्टाइल का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो आप भी इस कमाल की सिटी को विजिट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में हर साल 1,40,00,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। दोस्तों नंबर 5 पर जो सिटी आती है वो सिटी होने के साथ साथ एक देश भी है और ये है एशिया का एक कमाल देश सिंगापुर। सिंगापुर ने पिछले कुछ सालों में ही खुद को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि ये दुनिया की टॉप कंट्रीज में आता है और यहाँ का स्टडी सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा है कि ये देश बहुत ही ज्यादा कमाल देश बन चुका है। क्लीनिंग के मामले में भी इस देश को कोई भी देश टक्कर नहीं देता और साथ ही अमीरी के मामले में भी ये देश बहुत ही ऊपर है। घूमने के लिए सिंगापुर को बहुत ही सेफ सिटी माना जाता है और यहाँ पर ऊंची बिल्डिंगों के साथ ही आप यहाँ की बहुत ही बढ़िया ग्रीन ब्यूटी का मजा भी ले सकते हैं। और एशिया में घूमने के लिए सिंगापुर बिल्कुल बेस्ट है और पूरी दुनिया में घूमने के लिए ये 5वें नंबर की सिटी है और यहाँ पर हर साल 1,42,00,000 टूरिस्ट घूमने आते हैं। सिंगापुर की पॉपुलेशन 57,00,000 के आसपास है। दोस्तों नंबर 4 पर आता है दुबई यूएई। यूएई की खास पहचान बन चुकी दुबई का नाम सुनते ही बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल का ड्रीम हमारे मन में बनने लगता है। दोस्तों यहाँ की आबादी 31,00,000 के आसपास है और इसे घूमने के लिए पूरी दुनिया की बेस्ट सिटी माना जाता है। अगर आप भी एकदम लग्जरी लाइफस्टाइल का मजा लेना चाहते हो तो आप एक बार दुबई को विजिट जरूर करना। दुबई में जाकर आप वहाँ के 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब में पूरी तरह से मजेदार लाइफ जी सकते हैं, जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना हुआ दुनिया का बेहद ही कमाल का होटल है। इसके अलावा भी दुबई में बहुत कुछ देखने लायक है जो आप वहाँ जाकर पूरे इंजॉय के साथ देख सकते हैं। दोस्तों दुबई में हर साल 1,55,00,000 से भी ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर आता है पेरिस फ्रांस। दोस्तों फ्रांस देश की कैपिटल सिटी और वहाँ की सबसे बड़ी सिटी पेरिस को पूरी दुनिया में घूमने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस जगह माना जाता है और इसे द लव सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर मौजूद हाइफल टावर भी बहुत ही ज्यादा फेमस माना जाता है। दोस्तों पेरिस सिटी की आबादी सिर्फ 23,00,000 के आसपास है मगर यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बेहद ही ज्यादा कमाल और बेहद ही ज्यादा रिच माना जाता है। यूरोप की इस कमाल की सिटी को बेहद ही खूबसूरत माना जाता है और इसे घूमने के लिए बहुत ही परफेक्ट माना गया है। दोस्तों यहाँ पर हर साल 1,65,00,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर जो सिटी आती है वो है लंदन इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल सिटी और वहाँ की सबसे बड़ी सिटी लंदन को पूरी दुनिया बहुत ही बढ़िया तरीके से जानती है और हमारे इंडिया के साथ तो इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। और दोस्तों साथ ही आज के दिन तो लंदन में हमारे भारतीय लोग बहुत बड़ी कंपनीज में काम भी करते हैं। घूमने के लिए भी इस कमाल सिटी को बेहद ही खास माना जाता है और यहाँ पर हर साल बहुत सारे टूरिस्ट घूमने का मजा लेते हैं। लंदन में हर साल 2,10,00,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। यहाँ की आबादी 82,00,000 के आसपास है। दोस्तों नंबर 1 पर जो सिटी आती है वो है बैंकॉक थाईलैंड, जिसकी आबादी 83,00,000 के आसपास है। थाईलैंड की इस कमाल सिटी को हर साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं और इसे पूरी दुनिया में मस्ती करने की सबसे बेस्ट जगह माना जाता है और पूरी दुनिया के बहुत ही अमीर और बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर मजे करने आते रहते हैं। दोस्तों मस्ती की जगह के अलावा भी इसे बिजनेस के तौर पर भी काफी अच्छी जगह माना जाता है और यहाँ पर बहुत सारे अरबपति लोग भी रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा कमाल है और उनके पास बहुत सारी लग्जरी चीजें भी मौजूद होती हैं। दोस्तों थाईलैंड में जितने भी लोग घूमने जाते हैं उनमें से 95% लोग बैंकॉक में घूमने तो जरूर जाते हैं। दोस्तों बैंकॉक सिटी में हर साल 2,25,00,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के वो 10 शहर जो घूमने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर करना और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही
हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना। जैसा कि आपने देखा, टॉप 10 शहर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, पेरिस, लंदन, जैसे कि आपने देखा बहुत ही सुंदर सुंदर शहर है। अभी तक इंटरनेशनल ट्रिप हमने नहीं किया, लेकिन आगे जरूर करेंगे। हमें बहुत मजा आया वीडियो देख के, तो मान लीजिए असली में आप गए हैं तो आपको कितना मजा आएगा। आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है वो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहले नंबर पे है वो ही सबकी पसंद हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना जरूर मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और वीडियो के साथ, और अगर आपको कोई वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो उसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दे, या तो फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें DM जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। We'll be right back.